ओमज्ञानति मिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यो नमोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपादपद्मकमलं श्रीगुरौ वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातां स्वगणानां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिविराजयितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधां कृष्णपादां नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती माते गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च अभिधानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम टेक्स्ट 16 पढ़ रहे थे। यदोसु मा प्रणीतं गुरु भीष्म कर्ण नापत त्रिगत शैल्य सैंधव बालिकाद्यै अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि नोपश्रिशूर नरहरि दशां इवांसुराणि। ट्रांसलेशन। ग्रेट जनरल्स लाइक भीष्म द्रोण कर्ण Burishrava, Shusharma, Shailya, Jayadrath and Bhalika all directed their invincible weapons against me. But by His grace, they could not even touch a hair on my head. Similarly, Prahlad Maharaj, the supreme devotee of Lord Narsingadev, was unaffected by the weapons the demon used against him. So here Arjun is saying that Krishna's kripa se कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्रव जयद्रथ भालिका ये सब जो महारथी हैं उन्होंने बहुत सारे अस्त्र छोड़े थे अर्जुन को मारने के लिए, पर कृष्ण की कृपा से अर्जुन के सर का एक बाल भी भाका नहीं हुआ। जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव ने बचाया था वैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को बचाया। तो ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कर्ण के बारे में लिखते हैं जो हमने सुबह पढ़ा था। प्रॉपर और दो तीन व्यक्तियों के बारे में भी लिखते हैं, नपता और भूरिश्रव। तो दूसरे जो व्यक्ति हैं जो अर्जुन के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे वो भूरिश्रव है। भूरिश्रव वॉज द सन ऑफ सोमदत्त अ मेंबर ऑफ द कुरु फैमिली। तो भूरिश्रव जो है वो सोमदत्त के पुत्र है और सोमदत्त कुरुकुल में आते हैं। इस अदर ब्रदर वो शैल्य। तो भूरिश्रव के और एक भाई है जिनका नाम है शैल्य। बोथ द ब्रदर्स एंड द फादर अटेंडेड द स्वयंवर सेरेमनी ऑफ द्रौपदी। तो सोमदत्त और उनके जो दो पुत्र हैं भूरिश्रव और शैल्य द्रौपदी के स्वयंवर पे उपस्थित हैं। ऑल ऑफ देम अप्रिशिएटेड द वंडरफुल स्ट्रेंथ ऑफ अर्जुना ड्यू टू हिज बीइंग अ डिवोटी फ्रेंड ऑफ द लॉर्ड एंड थस भूरिश्रव Advise the sons of Dhritarashtra not to pick any quarrel or fight with them. तो जब उन्होंने देखा कि अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ पाया था और बहुत अच्छे तरह से उन्होंने युद्ध किया था कौरवों को रोकने के लिए, तो समय भूरिश्रव अर्जुन की प्रशंसा करते हैं और धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि आप अर्जुन और पांडवों के सामने उनके साथ युद्ध मत कीजिए। He possessed one Akshauhini regiment of army, cavalry, elephants and chariots and all of these were employed in the battle of Kurukshetra on behalf of Duryodhan's party. So, when Kurukshetra was being run, Duryodhan and Yudhishthir both were Akshauhini sena to make their Akshauhini sena. So, that's why Bhurishrava had one Akshauhini sena.
एक अक्षौणी सेना मतलब बहुत बड़ा एक सेना का गिनती होता है, और वो अक्षौणी सेना के साथ दुर्योधन के साइड से युद्ध कर रहे थे। He was counted by Bhima as one of the युद्धपतिस। तो भीमा ने उनका गिनती किया था युद्धपति मत में से। In the battle of Kurukshetra, he was especially engaged in a fight with Satyaki and he killed 10 sons of Satyaki। तो वर्णन आता है कि जब अर्जुन जयद्रथ को मारने वाले थे उस दिन, तो उस समय भूरिश्रव का सात्यकी के साथ युद्ध होता है। सात्यकी अर्जुन के पक्ष से पांडवों के पक्ष से झगड़ा कर रहे थे और भूरिश्रव ने सात्यकी के 10 पुत्रों को मार दिया रणभूमि में। लेटर ऑन अर्जुन कट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही वाज अल्टीमेटली किल्ड बाय सात्यकी। तो उसके बाद अर्जुन सात्यकी का मदद करने के लिए आते हैं, क्योंकि सात्यकी ही अर्जुन के शिष्य हैं। तो सात्यकी का मदद करने के लिए भूरिश्रव के हाथों को निकाल देते हैं और बाद में सात्यकी आके भूरिश्रव को मार देता है। आफ्टर हिज डेथ ही मर्ज इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ विश्वदेव। तो वर्णन आता है कि हालांकि भूरिश्रव दुर्योधन के पक्ष से कौरव के पक्ष से झगड़ा कर रहा था, फिर भी वो कृष्ण का भक्त था, उसके हृदय में पांडवों के प्रति प्रेम था, इसलिए उसके मृत्यु के बाद भगवान के साथ लीन हो जाता है, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो दूसरे जो व्यक्ति हैं जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वो कौन है? त्रिगत और सुशर्म, सन ऑफ महाराज वृद्रक्षेत्र। ही वॉज द किंग ऑफ त्रिगत देश एंड ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्वयंवर सेरेमनी ऑफ द्रौपदी। तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में और एक योद्धा है कौरवों के पक्ष के, जिसका नाम है त्रिकर्त या सुशर्म। ये वृद्धक्षेत्र महाराज के पुत्र है और त्रिगत देश राजा के राज्य के राजा है और स्वयंवर के द्रौपदी के स्वयंवर के समय भी उपस्थित हैं। ही वॉज वन ऑफ द एलाइज ऑफ दुर्योधन एंड ही एडवाइज टू अटैक द मत्स्य देश धर्मंग। तो दुर्योधन के दोस्त थे और दुर्योधन के उन्होंने बोला था कि मत्स्य देश को पे आक्रमण करो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउ स्टीलिंग इन विराट नगर ही वॉज एबल टू अरेस्ट महाराज विराट, बट लेटर महाराज विराट वॉज रिलीज्ड बाई भीमा। तो जब वो अज्ञातवास में थे आखिरी साल पांडव विराट के राज्य में, तो उस समय क्या करता है, सुशर्मा जाता है और विराट पे आक्रमण करता है और दूसरे पक्ष से बाकी सब कौरव आके आक्रमण करते हैं। तो कौरव को रोकने के लिए अर्जुन जाता है और विराट एक्चुअली सुशर्मा के सामने हार जाता है और सुशर्मा विराट को राजबंदी बना देता है, पर भीम जाके महाराज विराट को छुड़ा देता है। इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र ही फॉट वेरी वैलियंटली बट एट द एंड ही वॉज किल्ड बाई अर्जुन। तो स्पेशली वर्णन आता है कि जब ये चक्रव्यूह हुआ था, तो समय ये प्लान था कि सुशर्म अर्जुन को रणभूमि के एक दूसरे कोने में लेकर जाएगा, ये प्लान्ड एंडेवर था। तो अर्जुन जब चले गए तब उन्होंने चक्रव्यूह बनाया और अभिमन्यु को मार दिया। तो फाइनली सुशर्म को अर्जुन मार देता है। जयद्रथ और एक व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौरवों के साइड का, अनदर सन ऑफ महाराज वृद्धक्षेत्र। तो ये जैसे सुशर्म वृद्धक्षेत्र महाराज के पुत्र है, उनके और एक पुत्र हैं जिनका नाम है जयद्रथ। ही वॉज द किंग ऑफ सिंधु देश मॉडर्न सिंध पाकिस्तान। तो ये सिंधु नरेश सिंधु देश के राजा हैं। तो सिंधु देश मतलब आज का पाकिस्तान, सिंध नदी का उस पार। हिज वाइफ्स नेम वाज दुश्शल। तो ये जो हैं जयद्रथ कौरव कुल के एक ही दामाद थे। तो पांडु महाराज के भी 5 पुत्र हुए, लड़की तो नहीं हुआ, पुत्री तो नहीं हुई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए पर एक पुत्री थी धृतराष्ट्र को, गांधारी से नहीं और एक दासी से उसको एक पुत्री थी धृतराष्ट्र को। तो वो एक पुत्री का नाम था दुश्शल और इसका पति जयद्रथ था। तो पूरे कुरुकुल में 108 5 भाइयों में से एक ही दामाद जयद्रथ। He was also present in the Swayamvar ceremony of Draupadi and he desired very strongly to have her hand but he failed in the competition. पर जयद्रथ जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था उस समय भी उपस्थित था
और जयद्रथ चाहता था कि द्रौपदी का हाथ पाँव में, पर वो जो टेस्ट है उसमें वो विफल हो गया। बट सिंस देन ही ऑलवेज थॉट ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टच विद द्रौपदी। हालांकि इसका शादी हो गया दुष्यंत से, पर उसका जो दृष्टि हमेशा द्रौपदी के प्रति था, हमेशा कोशिश करता था द्रौपदी को पाने के लिए। ही वॉज गोइंग टू मैरी इन द शल्य देश, व्हेन ही वॉज गोइंग टू मैरी इन द शल्य देश ऑन द वे टू काम्यवन, ही हैपेंड टू सी द्रौपदी अगेन एंड वॉज टू मच अट्रैक्टेड टू हर। तो जब पांडव वनवास में थे उस समय जयद्रथ जा रहे हैं शल्य देश उसके शादी के लिए, तो उस समय काम्यवन में जहाँ पे पांडव रुके थे वो द्रौपदी को देखते हैं और बहुत आकर्षित हो जाते हैं। द पांडवर्स एंड द्रौपदी वर देन इन एग्जाइल आफ्टर लूजिंग देयर एम्पायर इन गैम्बलिंग एंड जयद्रथ थॉट इट वाइज टू सेंड न्यूज टू द्रौपदी इन एन इलिसिट मैनर थ्रू कौतिशल्य वन ऑफ हिज एसोसिएट्स। तो उस समय पांडव वनवास में थे, तो जयद्रथ क्या करता है, अपने एक जो शिष्य है पार्षद है कौतिशल्य उसको भेजता है द्रौपदी को प्रपोजल देने के लिए। द्रौपदी एट वंस रिफ्यूज वेमेंटली द प्रपोजल ऑफ जयद्रथ, बट बीइंग सो मच अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द्रौपदी ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। तो द्रौपदी ने नाकार कर दिया, फिर भी जयद्रथ बहुत बार कोशिश करता है द्रौपदी का हाथ पाने के लिए। Every time he was refused by Draupadi, he tried to take away forcibly on his chariot, and at first Draupadi gave him a good dashing, and he fell like a cut root tree. तो बहुत बार प्रयास करने के बाद द्रौपदी को मोहित करने के लिए ये द्रौपदी का अपहरण करके लेके जाता है, पर द्रौपदी उसको एक झापड़ देती है और वो गिर जाता है। But he was not discouraged, and he was able to force Draupadi to sit on the chariot. फिर भी द्रौपदी को पकड़ के रथ में लेके जाता है। This incident was seen by Daumya Muni and he strongly protested the action of Jayadrath. और वो भी किसके सामने, Daumya Muni के सामने कर रहा है ये, और Daumya Muni Jayadrath को बोलते हैं ये सही नहीं है, तो सही कार्य नहीं कर रहा है। He was also followed the chariot and though Datreka the matter was brought to the notice of Maharaj Yudhishthir. तो और एक व्यक्ति है दात्रेका करके, वो महाराज युधिष्ठिर को बोलते हैं कि जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके लेके गया। द पांडवर्स देन अटैक द सोल्जर्स ऑफ जयद्रथ एंड किल देम ऑल एंड एट लास्ट भीमा कॉट होल्ड ऑफ जयद्रथ एंड बीट हिम वेरी सीवियरली ऑलमोस्ट डेड। तो फाइनली पांडव जो है जयद्रथ के जो सेना है उसको मार देते हैं और जयद्रथ को पकड़ लेते हैं। भीमा मारने ही वाला इतना मारता है उसको, ऑलमोस्ट मर गया था, पर मरने ही वाला है युधिष्ठिर बोलते हैं छोड़ दो उसको। युधिष्ठिर के अंदर बहुत दया का भावना है तो बोलते हैं छोड़ दो, हमारी एक ही बहन का पति है, छोड़ दो उसको। द पांडवर्स देन अटैक द सोल्जर्स ऑफ जयद्रथ एंड किल देम बट एट लास्ट भीमा कॉट होल्ड ऑफ जयद्रथ एंड बीट हिम वेरी सीवियरली ऑलमोस्ट डेड। देन ऑल बट फाइव हेयर्स वर कट ऑफ हिज हेड एंड ही वॉज टेकन टू ऑल द किंग्स एंड इंट्रोड्यूस एज अ स्लेव ऑफ महाराज युधिष्ठिर। तो उसका बाल पूरा शेव कर दिया और पांच ही बाल रखा और भीम ने घसीट घसीट के हर एक राजा के पास लेके गए और बोले ये देखो युधिष्ठिर का दास है ये जयद्रथ। इस तरह से उसका अपमान किया। He was forced to admit himself to be the slave of Yudhishthir before all the princely order and in the same condition he was brought before Maharaj Yudhishthir. तो उसको इतना अपमानित किया गया, सबके सामने जयद्रथ को बोलना पड़ा मैं युधिष्ठिर का दास हूँ जयद्रथ, इस तरह से युधिष्ठिर के सामने लेके आए। महाराज युधिष्ठिर वॉज काइंड इनफ टू ऑर्डर हिम रिलीज्ड बट वेन ही एडमिटेड टू बी अ ट्रिब्यूटरी प्रिंस अंडर महाराज युधिष्ठिर, क्वीन कुंती ऑल्सो डिजायर्ड। तो महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं छोड़ दो उसको, पर एक कंडीशन में जयद्रथ को मानना चाहिए कि सम्राट युधिष्ठिर है। आफ्टर दिस इंसिडेंट ही वॉज अलाउड टू रिटर्न टू हिज कंट्री, तो वापस उसको अपने सिंधु देश भेज दिया। Being so insulted, he went to Gangatri in the Himalayas and undertook a severe type of penance to Lord Shiva. पर जयद्रथ, हालांकि युधिष्ठिर ने उसका जान बचाया, पर जयद्रथ इतना बड़ा नालायक है, उसके अंदर ईर्ष्या है, बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरा अपमान किया, तो इसलिए वो गंगोत्री जाता है हिमालय में और बहुत तपस्या करता है शिव जी की प्रसन्नता के लिए। तो शिव जी उसके सामने आते हैं तो ये वर मांगता है, he asked this benediction to defeat all the Pandavas at least one at a time, at least one at a time.
तो वो शिवजी से प्रार्थना करता है और शिवजी उसको पूछता है क्या चाहिए, बोलता एटलीस्ट एक समय मुझे सब पांडव पे विजय प्राप्त करना है। देन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र बिगैन एंड ही टुक साइड्स विद दुर्योधन। तो फाइनली जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होता है, जयद्रथ दुर्योधन के पक्ष से लड़ता है। इन द फर्स्ट डेज फाइट ही वॉज एंगेज विद महाराज द्रुपद, देन विद विराट एंड देन विद अभिमन्यु। तो पहले दिन के युद्ध में ही वो पहले महाराज द्रुपद से युद्ध करता है, बाद में महाराज विराट से युद्ध करता है और बाद में अभिमन्यु से। वाइल अभिमन्यु वॉज बींग किल्ड मर्सिलेसली सराउंडेड बाई 7 ग्रेट जनरल्स द पांडवर्स केम टू हिज हेल्प, बट जयद्रथ बाई द मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा रिपल्स देम विद ग्रेट एबिलिटी। तो जब चक्रव्यूह बनाते हैं तो उस समय प्लान क्या था, अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा और अभिमन्यु के पीछे भीम और युधिष्ठिर बाकी सब पांडव घुस जाएंगे चक्रव्यूह के अंदर। तो अभिमन्यु तोड़ के निकलता है पर सामने जयद्रथ आ जाता है और शिवजी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि एक समय एक ही बार तुम पांच जो चार पांडव है उसको रोक सकते हो अर्जुन को छोड़ के। तो इसलिए जयद्रथ खड़ा हो जाता है, हालांकि जयद्रथ के पास शक्ति नहीं है पर क्योंकि उस दिन शिवजी का कृपा था उसके ऊपर, ये चारों पांडवों को रोक देता है, कोई प्रवेश नहीं कर पाता। तो युधिष्ठिर ने उस समय छोड़ा था जयद्रथ को, उसका रिजल्ट है अभिमन्यु का जान जाना पड़ा। इसलिए जब गलत व्यक्ति के प्रति बहुत दया दिखाते हैं वो भी गलत हो जाता है। तो जयद्रथ वहीं पर खड़ा रहा और कोई अंदर प्रवेश नहीं किया। तो इस तरह से शांत महारथी ने अभिमन्यु को मार दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी ही वॉज ऑब्लाइज टू फाइट विद अर्जुना एंड वाइल द फाइट वॉज गोइंग ऑन लॉर्ड कृष्णा रिमाइंडेड अर्जुना दैट द बेनेडिक्शन ऑफ शिवा अपॉन जयद्रथ वॉज दैट whoever would cause his head to fall on the ground would die at once. तो ये बहुत सुंदर कहानी है कि जब उस दिन अभिमन्यु मर जाता है तो रात के युद्ध के बाद अर्जुन उनके तंबू में आते हैं टेंट में और अर्जुन देखते हैं कि जनरली जब अर्जुन वापस आते हैं हर कोई आता है स्वागत करने के लिए, पर इस दिन कोई नहीं आ रहा था, अर्जुन के आंख में आंख कोई मिला ही नहीं रहा था। तो अर्जुन को समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। तो फाइनली उन लोगों ने न्यूज़ दिया कि अभिमन्यु मर गया। अर्जुन को इतना बुरा लग रहा था। फाइनली अर्जुन व्रत लेता है कि अगला दिन सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। तो अगला दिन युद्ध में इतना मुश्किल युद्ध था क्योंकि कौरवों का प्लान क्या था कि अर्जुन कैसे तो जयद्रथ तक नहीं पहुंचा तो अर्जुन मर जाएगा। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने ऐसा सेना की रचना की, बहुत बड़ा किलोमीटर का सेना है और एंड में जयद्रथ खड़ा है, एंड में रख दिया उसको, मतलब एंड तक अर्जुन पहुंचना ही नहीं चाहिए। कैसे तो कृष्ण है अर्जुन के सारथी, कृष्ण कैसे करके जयद्रथ के पास अर्जुन को लेकर जाते हैं। और उस समय सूर्यास्त हो जाता है, होने ही वाला है, तो कृष्ण क्या करते हैं अपने सुदर्शन से सूर्य को ढक लेते हैं और जयद्रथ को लगता है सूर्यास्त हो गया, वो बाहर आ जाता है, वो कवर था, सब लोग उसको गार्ड कर रहे थे, वो बाहर आ जाता है और अर्जुन को बोलता है मैं जीत गया, आग जला के देता हूं, तुम चले जाओ उसके अंदर। तो कृष्ण उसका सुदर्शन उठाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं देखो अब तक गुमा नहीं, उड़ाओ उसका सर। पर कृष्ण बोलते हैं ऐसे ही मत उड़ाओ क्योंकि इसके पास और एक वर है। इसका वर क्या है, वर है कि इसका अगर सर नीचे गिरेगा तो जो उसका सर नीचे डालेगा वो मर जाएगा, उसका सर फट जाएगा। तो कृष्ण बोलते हैं यहां से दूर जयद्रथ के जो पिता हैं वृद्ध क्षेत्र वो तपस्या कर रहे हैं, ऐसा करो इसका सर उड़ा के उसके गोद में डालो। तो अर्जुन उसका सर उड़ाते हैं, वृद्ध क्षेत्र को गोद में डाल रहे हैं, इमेजिन करो ये तपस्या कर रहा है कुछ गिर जाता है तो ये सर को उड़ाता है और वृद्ध क्षेत्र का सर उड़ जाता है। भगवान की कितनी इंटेलिजेंस है कृष्ण का, तो कृष्ण का जिंदगी में रहने से कितना फायदा है देखो राइट। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन की मदद करते हैं और जो जयद्रथ है जिसको मारना असंभव था, द्रोणाचार्य ने इतना बड़ा सेना तैयार किया था, उसको भी अर्जुन मार देते हैं। ही देयरफॉर एडवाइज अर्जुना टू थ्रो द हेड ऑफ जयद्रथ डायरेक्टली ऑन टू द लैप ऑफ हिज फादर हु वॉज एंगेज इन पेनेंसेस एट द समंत पंचक पिलग्रिमेज।
तो कुरुक्षेत्र में और एक जगह है समंत पंचम करके, तो वहां पे वृद्ध क्षेत्र तपस्या कर रहा था, तो जयद्रथ का सर काट के अर्जुन ने उसके गोद पे डाल दिया। दिस वॉज डन एक्चुअली डन बाय अर्जुन। जयद्रथ फादर वाज सरप्राइज्ड टू सी अ सेवर्ड हेड ऑन हिज लैप एंड ही एट वंस थ्रो इट ऑन द ग्राउंड। द फादर इमीडिएटली डाइड हिज फोरहेड बीइंग क्रैक्ड इनटू 7 पीसेस। तो बच्चा भी मर गया, पुत्र भी मर गया। तो ये वृद्ध क्षेत्र के दो पुत्र थे, सुशर्मा और जयद्रथ। ये तीनों को, पिता और दोनों बेटे को अर्जुन ने मार दिया। तो इस तरह अर्जुन कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं युधिष्ठिर के सामने कि कृष्ण के कृपा से मैं इतना सब अद्भुत चीज कर सका, अभी वो कृष्ण मेरे जिंदगी में नहीं है। टेक 17। सौते व्रत कुमंती नात्मत ईश्वरों में यत् पाद पद्मम अबवाय भजंती भव्या माम श्रांत वाहम अर्योरति नो भुविस्तम न प्रारहम यद अनुभवा निरस्त चित्ता। इट वॉज बाई हिज मर्सी ओनली दैट माई एनिमीज निग्लेक्टेड टू किल मी वेन आई डिसेंटेड फ्रॉम माई चैरियट टू गेट वॉटर फॉर माई थर्स्टी हॉर्सेस एंड इट वॉज ड्यू टू माई लैक ऑफ एस्टीम फॉर माई लॉर्ड that I dared engage him as my chariot driver, for he worshipped and offered services by the best of men to attain salvation. तो अर्जुन बोल रहे हैं कि उसी समय जिस दिन जयद्रथ के को मारने के लिए अर्जुन जा रहे थे, तो इतना घोड़े थक जाते हैं, उस दिन समय बहुत कम था क्योंकि सूर्यास्त के पहले टारगेट तक पहुंचना था, पर बीच में ही घोड़े इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं। तो कृष्ण को समझ में आता है, कृष्ण बोलते हैं कि घोड़ों को प्यास लगा है, घोड़ों को पानी और घास नहीं देंगे तो घोड़े रुक जाएंगे। तो अभी युद्ध भूमि है, पानी कहाँ से मिलेगा, घास कहाँ से मिलेगा, राइट? और समय भी कम है। फिर भी अर्जुन क्या करते हैं, रथ से उतर जाते हैं और कृष्ण घोड़ों को लेके जाते हैं। कृष्ण देखो कितना कंसर्न है घोड़ों के प्रति। अर्जुन रणभूमि में अपने बाणों से एक तालाब बनाते हैं और इतना सुंदर तालाब बनता है कि पंछी वगैरह आ जाते हैं उधर, और अर्जुन कृष्ण घोड़ों को लेके जाते हैं और तालाब को कवर करता है अर्जुन एरो से, घोड़ों को और कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए, और वहां पे खड़े होके अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। तो कृष्ण जाते हैं तालाब में, घोड़ों को पानी पिलाते हैं, घास खिलाते हैं, बाद में लेके आते हैं। तो समय अर्जुन बोल रहे हैं कि हालांकि उसके पास रथ भी नहीं था और नीचे खड़ा था, फिर भी उनका कुछ हुआ नहीं। तो कृष्ण वापस लेके आते हैं और फिर से रथ चलता है जयद्रथ की ओर। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हालांकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर मेरे लिए क्या कार्य कर रहे हैं, सारथी का कार्य कर रहे हैं और इतना नम्र सेवा, घोड़ों की सेवा, हम घोड़ों को पानी पिला रहे हैं, घास पिला रहे हैं। हाँ, ये जो कृष्ण जिनको बड़े बड़े देवी देवता भी पूजा करते हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि मैंने उनको सारथी के रूप में उपयोग किया। Purport. The Supreme Lord, the person of Godhead Shri Krishna, is the object of worship both by impersonalists and by the devotees of the Lord. So Krishna, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आराध्य देव है, जो भक्त हैं और जो मायावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, उनके भी आराध्य देव हैं। The impersonalist worship is glowing effulgence emanating from the transcendental body of eternal form, bliss and knowledge. And the devotees worship him as the supreme person of Godhead. भक्त कृष्ण का रूप भगवान स्वरूप में पूजा करते हैं और जो मायावादी impersonalists हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण का ही पूजा करते हैं, पर कृष्ण का तेज का पूजा करते हैं, ब्रह्मन की पूजा करते हैं, पर अल्टीमेटली हर कोई कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। Those who are below even the impersonalists consider him to be one of the great historical personalities. और जो मायावादी से भी कम है उनको क्या लगता है कि कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है। द लॉर्ड हाउएवर डिसेंड्स टू अट्रैक्ट ऑल बाय स्पेसिफिक ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स एंड थस ही प्लेज द पार्ट ऑफ द मोस्ट परफेक्ट मास्टर फ्रेंड सन एंड लवर। तो जिनका भी स्तर कहीं पे भी रहेगा, कोई भक्त है, मायावादी है, ब्रह्मवादी है, या कोई भगवान को ऐतिहासिक पुरुष समझता है,
भगवान अपनी लीलाओं से हर किसी को आकर्षित करते हैं। दसवें स्कंद के शुरुआत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि कृष्ण कथा किसको सुनना चाहिए, जो मुक्त आत्मा है उनको सुनना चाहिए, क्योंकि उनके लिए आनंद का स्रोत है कृष्ण कथा, और जो साधक हैं उनको सुनना चाहिए क्योंकि कृष्ण कथा उनके लिए मेडिसिन है, भवो शदा, ये जो भौतिक बंधन है, भौतिक इच्छाएं को मुक्त होने का तरीका है, मेडिसिन है। और जो अभक्त हैं वो भी कृष्ण कथा सुन सकते हैं क्योंकि उनसे उनको मनोरंजन मिलेगा, आनंद मिलेगा, क्योंकि लोगों को अलग अलग एक्टिविटी सुनना अच्छा लगता है, रोमांस के बारे में, फाइटिंग के बारे में, तो इसलिए कृष्णा के इतने सारे लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ, तो ये सब लीला सुन के हर एक व्यक्ति प्रगति कर सकता है। तो इसलिए कृष्ण अपने भक्तों के साथ, किसी के साथ स्वामी के रूप में बर्ताव करते हैं, दोस्त के रूप में, बच्चे के रूप में और प्रेमी के रूप में। His transcendental relation with Arjuna was in friendship, and the law therefore played the part perfectly as it did with his parents, lovers and wives. तो भगवान कृष्ण का एक खासियत है, जो भी लीला करते हैं भगवान, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट। जब भगवान गाय चराते हैं, नंबर वन ग्वाला, फर्स्ट क्लास कवर्ड, है कि नहीं? भगवान जब माखन चुराते हैं वो भी नंबर वन, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान जब क्षत्रिय बनते हैं, नंबर वन क्षत्रिय, हर एक जो असुर है उन सबको मार देते हैं बिना डर का। और जब भगवान जब ज्ञान देना है भगवद्गीता के माध्यम में, ब्राह्मण के रूप में, अर्जुन के गुरु के रूप में, फर्स्ट क्लास ज्ञान देते हैं, जो भी भगवान करते हैं फर्स्ट क्लास। और जब भगवान दास बनते हैं, सेवक बनते हैं, पार्थ सारथी, उनसे ज्यादा कोई बेस्ट सारथी है ही नहीं, नंबर वन सारथी। इसलिए जब कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे हैं, वो दुर्योधन के जाके बोलते हैं, मेरा एक कंप्लेन है, मैं अर्जुन के साथ युद्ध कर सकता हूं, पर मेरा प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण जैसा सारथी नहीं है मेरे पास, कृष्ण का रिप्लेसमेंट दो। अभी कृष्ण का रिप्लेसमेंट कैसे मिलेगा? हाँ, कृष्ण का रिप्लेसमेंट होता नहीं, क्योंकि जो भी कृष्ण करते हैं फर्स्ट क्लास, सारथी भी बनते हैं नंबर वन सारथी। तो इसलिए भगवान अगर दोस्त बनते हैं, उनसे ज्यादा बेहतरीन कोई दोस्त नहीं है। भगवान पुत्र बनते हैं, उनसे ज्यादा बेहतरीन कोई पुत्र नहीं है। भगवान प्रेमी बनते हैं, तो उनसे ज्यादा प्रेमी और कोई हो नहीं सकता। जो भी लीला करते हैं भगवान, जो भी रोल करते हैं, परफेक्टली करते हैं। While playing in such a perfect transcendental relation, the devotee forgets by the internal potency of the Lord that his friend or son is the supreme person of Godhead. Although sometimes the devotee is bewildered by the acts of the Lord. तो भगवान इतना फर्स्ट क्लास वो रोल करते हैं, दोस्त का, प्रेमी का, पुत्र का, भक्त भी भूल जाते हैं कि ये भगवान है। कृष्ण इतने अच्छे दोस्त बन गए अर्जुन के कि अर्जुन बहुत बार भूल जाता था कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दोस्त मान के ही चलता था। After the departure of the Lord, Arjuna was conscious of his great friend, but there was no mistake on the part of Arjuna or an ill estimation of the Lord. तो अर्जुन कृष्ण के चले जाने के बाद अर्जुन को बहुत बुरा लगता है कि मैंने कृष्ण को दोस्त के रूप में माना, सारथी के रूप में मैंने उनको आदेश दिया, बहुत बार दोस्त के रूप में हमने आलिंगन किया, मैंने उनका सम्मान नहीं किया, तो कृष्ण को बुरा लगा होगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं पर ये अर्जुन के लिए दोष नहीं था, क्योंकि प्रेम में ये होता है। इंटेलिजेंट मैन आर अट्रैक्टेड बाय द ट्रांसेंडेंटल एक्टिंग ऑफ द लॉर्ड विद अ प्योर अनअलॉयड डिवोटी लाइक अर्जुना। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कृष्ण का जो आदान प्रदान होता है अपने भक्तों के बीच, स्पेशली अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों के बीच, वो देख के बहुत आकर्षित होते हैं। तो इसका और एक पैराग्राफ है, वो हम कल सुबह पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।